इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। रुक रुक कर चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बाद भी जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए 41 केंद्रों पर जहाँ करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो सका और ग्रामीण वैक्सीन का इंतजार करते रहे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर SS दाहिया के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है। गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन होगा। फिर वैक्सीन लगाई जा रही है, कितने सेंटर बनाए गए और ये वैक्सीन कौन सी है और ग्रामीण क्षेत्र में आज क्या स्थिति है? हाँ, जैसा कि आपको मालूम है लगातार हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। आज शहरी क्षेत्रों ने 41 सेंटर बनाए जिसमें कोविशील्ड की फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लगातार लगाई जा रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अभी बीच में जो हमारी शिकायत ये आ रही थी कि बहुत भीड़ रहती है, उसको देखते हुए, भीड़ प्रबंधन को देखते हुए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू किया है। जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से पूर्व से है उन्हीं को ही वैक्सीनेट किया जाएगा आज। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वजह क्या? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में एक्चुअली क्या, जो हमको अलॉटमेंट मिला था कि आज पहले आप 50% वैक्सीन यहाँ यूज़ कर लें, 50% ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ करें। तो हमारा ये प्रोग्राम जो गुरुवार का है, 50% हम वैक्सीन वहाँ पर लगाएंगे, गुरुवार के दिन सेशन लगाया जाएगा। हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा शनिवार को हमारे यहाँ दोनों जगह होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में। उसके स्लॉट अभी से देखने लगे। आम जनता से निवेदन मेरा कि ये लोग बुक करें और सेंटर में पहुंचें। सर, कितनी वैक्सीन? बहरहाल देखा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर जबलपुर में लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, जबलपुर।